हेलो वेलकम बैक टू द चैनल देख रहे हैं स्टोरेज क्लासेस इन सी सो स्टोरेज क्लासेस क्या है देखिए जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हम उसमें क्या डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स जो कि मेन मेमोरी में अलोकेट होते हैं ओके एंड अ वेरिएबल इज़ डिक्लेयर्ड यूजिंग इट्स डेटा टाइप डेटा टाइप की मदद से उसे डिक्लेयर किया जाता है किस तरह से लाइक like दिस है ना डेटा टाइप और उसका वेरिएबल नेम लाइक इंट ये हमने डिक्लेयर किया लेकिन हर एक वेरिएबल का अपना एक स्कोप होता है अपना एक लाइफ टाइम होता है अब ये डिपेंड करता है कि वो किस स्टोरेज क्लास का वेरिएबल है तो यहाँ पर बात आती है कि स्टोरेज क्लास क्या होती है यहाँ पर ध्यान देंगे स्टोरेज क्लास अफेक्ट्स अ वेरिएबल स्कोप एंड लाइफ टाइम इन प्रोग्राम अब स्कोप क्या होता है देखिए स्कोप जो होता है इट एक्सप्लेन्स द विजिबिलिटी ऑफ अ वेरिएबल यानी प्रोग्राम में कहाँ कहाँ पर वेरिएबल विजिबल रहेगा विजिबल इन द सेंस कहाँ कहाँ पर वो यूज हो सकेगा ओके okay? एंड दूसरा है लाइफ टाइम यानी कि इट एक्सप्लेन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ वेरिएबल यानी कि कब तक के वो वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा किसी प्रोग्राम में अब जैसे आपने देखा होगा कि हमारे प्रोग्राम में अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं ठीक है तो यही जो ब्लॉक्स हैं इन्हीं ब्लॉक्स के अंदर में ये स्कोप एंड लाइफ टाइम जो है ये वेरी करता है ठीक है इसे हम आगे समझेंगे स्टोरेज क्लासेस को समझने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं सो वेरिएबल्स दैट कैन बी यूज इन अ सिंगल प्रोग्रामिंग ब्लॉक आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल्स यूजली दीज फंक्शंस आई एम सॉरी ये फंक्शंस नहीं है यहाँ पर वेरिएबल्स आएगा दीज वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड विद इन अ फंक्शन ब्लॉक ओके वहीं ग्लोबल वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल्स दैट कैन बी यूज थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं पे भी कहीं से भी इन वेरिएबल्स को हम एक्सेस कर सकते हैं किसी भी ब्लॉक से मतलब चाहे वो मेन फंक्शन ब्लॉक हो या फिर जो भी यूजर डिफाइंड फंक्शन ब्लॉक है वहाँ से भी ठीक है या इसके बाहर से भी दे कैन बी यूज बाई मल्टीपल फंक्शंस ओके इसे कैसे समझेंगे देखिए यहाँ पर ये जो इंट एक्स जो कि वाइट मैन के पहले बनाया हुआ है तो दिस इज़ अ ग्लोबल वेरिएबल ओके क्यों क्योंकि ये किसी भी प्रोग्रामिंग ब्लॉक में नहीं है इसलिए जो इसका स्कोप है वो कन्फाइंड नहीं है कि वो सिर्फ इसी में यूज़ होगा ये सबसे बाहर है तो ये सबका है ओके ये सबका है ठीक है ये सबका है इसलिए और यहाँ पर हम देखें वॉइड मेन के अंदर में एक इंट ए बनाया हुआ है और यहाँ पर वॉर्ड फंक्शन वन में एक इंट एम बनाया हुआ है तो ये वॉइड ये वाला जो एम है ये इस फंक्शन के बाहर यूज़ नहीं हो सकता मतलब हम मेन फंक्शन से इसको कॉल नहीं कर सकते इसको यूज़ नहीं कर सकते वहीं मेन फंक्शन में जो ये है इंट ए है ये इतने के बाहर यूज़ नहीं हो सकता तो ये क्या कहलाया ये जो दोनों हैं ये हैं लोकल वेरिएबल्स ठीक है तो एक प्रोग्रामिंग ब्लॉक के अंदर में जो वेरिएबल डिक्लेयर हम करते हैं वो होते हैं लोकल वेरिएबल्स और ऐसे वेरिएबल जो कि थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज़ किए जा सकें वो सभी प्रोग्रामिंग ब्लॉक के लिए अवेलेबल होते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स सो स्टोरेज क्लास से हमें क्या चलता है किसी भी वेरिएबल का स्कोप एंड लाइफ टाइम ओके और ये कैसे डिपेंड करता है कि ये लोकल वेरिएबल है या ग्लोबल वेरिएबल है नाउ सी में कितनी स्टोरेज क्लासेस हैं सी हमें प्रोवाइड करता है फोर स्टोरेज क्लासेस ऑटो एक्सटर्न स्टैटिक एंड रजिस्टर अब वन बाय वन इन सभी स्टोरेज क्लासेस को समझते हैं और साथ में प्रैक्टिकली इनके प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि इनमें होता क्या है ओके okay, सबसे पहले ऑटो स्टोरेज क्लास सो वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर्ड विद इन अ फंक्शन यानी कि लोकल वेरिएबल की बात हो रही है तो देयर स्टोरेज क्लास इज बाय डिफॉल्ट ऑटो ऑटो स्टोरेज क्लास के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का जनरल फॉर्म क्या होता है ऑटो कीवर्ड डेटा टाइप एंड देन वेरिएबल नेम लेकिन जब भी हम किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग ब्लॉक के बीच में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट ऑटो स्टोरेज क्लास का होता है ओके okay? नाउ ऑटोमेटिक वेरिएबल्स आर क्रिएटेड ऑटोमेटिकली ऑन फंक्शन कॉल जैसे ही फंक्शन कॉल होता है तो ऑटोमेटिक वेरिएबल्स क्रिएट हो जाते हैं एंड दे गेट डिस्ट्रॉयड एज द फंक्शन एग्जिट्स यानी जैसी फंक्शन की वर्किंग कंप्लीट होती है तो वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं इसलिए इन्हें हम क्या बोल रहे हैं ऑटोमेटिक वेरिएबल्स बिल्कुल सिंपल है अब यहाँ पर देखिए एक एग्ज़ाम्पल है वॉयड मेन के अंदर में ये एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है इंट ए तो दिस इज एन ऑटोमेटिक वेरिएबल क्यों क्योंकि ये एक लोकल वेरिएबल है और इसका जो स्कोप एंड लाइफ टाइम जो है वो इस प्रोग्रामिंग ब्लॉक के अंदर सीमित है एक और है ये हमारा मेन फंक्शन है और ये हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है तो यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर भी हमने एक ऑटोमेटिक वेरिएबल बनाया हुआ है इसका स्कोप भी इस फंक्शन की वर्किंग तक की सीमित है ये फंक्शन कॉल होगा ये एम यूज होगा जैसे ये फंक्शन अपनी वर्किंग कंप्लीट करेगा एम डिस्ट्रॉय हो जाएगा ओके नाओ स्कोप ऑफ ऑटोमेटिक वेरिएबल्स इज लोकल लोकल क्योंकि वो इतने के अंदर ही वर्क करेगा राइट right? इतने के अंदर ही वर्क करेगा देट्स वाई दे कैन बी यूज इन दैट ब्लॉक वेयर दे आर डिक्लेयर एन ए जहाँ पर डिक्लेयर किया गया है उसी ब्लॉक में उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं नाओ एक सिंपल सा प्रोग्राम आप देखिए यहाँ पर हमने दो फंक्शंस बना रखे हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन फंक्शन वन फंक्शन टू और एक है मेन फंक्शन हमारा ठीक है मेन फंक्शन में आप एक चीज़ देखेंगे कि मेन फंक्शन में भी हम एम यूज़ कर रहे हैं एम नाम का एक ऑटोमेटिक वेरिएबल बनाया हुआ है फंक्शन वन में भी एम नाम का ऑटोमेटिक वेरिएबल है एंड फंक्शन टू में भी एम नाम का एक ऑटोमेटिक uh, वेरिएबल है ठीक है इस बात पे ध्यान देंगे नाउ मेन फंक्शन में हमने एम को इनशलाइज़ किया 500 से ओके okay? इस यहाँ पर देखेंगे देन हम फंक्शन टू को कॉल हो रहे हैं तो क्या होगा जैसे ही कॉलिंग परफॉर्म होती है तो क्या होता है ये जंप करता है डेफिनेशन पे डेफिनेशन पे जंप किया अब यहाँ पे जो M है ये ये M नहीं है यही हमें ध्यान रखना है ठीक है क्योंकि इस M का जो रोल है वो इस ब्लॉक तक है ठीक है इस M का जो रोल है वो इस ब्लॉक तक है और ये वाले M का जो है वो इस ब्लॉक तक है तो सारे ही फंक्शंस के अपने अपने M हैं दैट इज़ वाई हम कह रहे हैं कि ये लोकल वेरिएबल्स हैं और इनका स्कोप जो है वो कन्फाइंड होता है उस प्रोग्रामिंग ब्लॉक तक की ठीक है तो फंक्शन टू कॉल हुआ और एम में क्या है फाइव जाएगा एंड फंक्शन टू के अंदर में हमने फंक्शन वन को कॉल किया हुआ है तो अब ये जंप करेगा फंक्शन वन की तरफ ओके okay, तो तीनों फंक्शन में हम एम में कुछ वैल्यूज़ को इनिशलाइज़ कर रहे हैं मेन फंक्शन में एम को हम इनिशलाइज़ किया हुआ है फाइव से फंक्शन वन में फिफ्टी से और फंक्शन टू में फाइव से सो so, हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक वेरिएबल का स्कोप क्या होता है ओके okay? सो आउटपुट किस सीक्वेंस में आएगा फंक्शन जिस तरह से कॉल हुए हैं उसके अकॉर्डिंग तो इसे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं सो so, ये है वही प्रोग्राम जो अभी हमने देखा ओके okay? अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो so, सबसे पहले हम आउटपुट के सीक्वेंस को देखते हैं देखिए यहां पर हमने इनिशलाइज किया m को 500 से देन फंक्शन टू कॉल हो गया मतलब जो प्रोग्राम का फ्लो है अब वो जंप कहाँ करेगा फंक्शन टू की डेफिनेशन पे। फंक्शन टू की डेफिनेशन पे आ गया यहाँ पर हम फंक्शन टू का एम ये याद रखेंगे यहाँ पर क्या था मेन फंक्शन का एम और ये है फंक्शन टू का एम सो so, ये दोनों एम अलग अलग हैं क्यों क्योंकि इनके स्कोप अलग हैं ये देखिए ये ब्लॉक अलग है दैट इज़ वाई दे आर ऑटोमेटिक वेरिएबल्स यहाँ पर जो एक कॉन्फ्लिक्ट जो हमें हम जो हमें मन में लगता है कि भाई नाम सेम है तो कैसे यूज़ हो रहा है अलग अलग जगह पे इसलिए क्योंकि ये लोकल वेरिएबल्स हैं ये आपको याद रखना है जो इसका स्कोप है वो लोकल है बिकॉज इट इज़ एन ऑटोमेटिक वेरिएबल ओके सो देखिए फंक्शन टू पे जंप किया फ़ंक्शन टू के एम में फाइव असाइन किया एंड देन फंक्शन वन कॉल हो गया है अभी फंक्शन टू ने प्रिंटिंग कंप्लीट नहीं की है उसके पहले यहाँ पर फंक्शन वन कॉल हो गया है तो अब ये जंप करेगा फंक्शन वन पे फंक्शन वन में m में आ जाएगा 50 ठीक है और यहाँ प्रिंट कर देगा वैल्यू ऑफ m फ्रॉम फंक्शन वन इज फिफ्टी तो देखिए यहां पर वैल्यू ऑफ m फ्रॉम फंक्शन वन इज फिफ्टी पहला आउटपुट हो गया ठीक है अब ये फंक्शन कंप्लीट होने के बाद में क्या होगा एम की जो एम में जो कुछ भी होगा वो डिलीट हो चुका है वो एम डिस्ट्रॉय हो गया होगा बिकॉज इट इज़ एन ऑटोमेटिक वेरिएबल ठीक है तो अब एक जहाँ से कॉल हुआ था फंक्शन प्रोग्राम uh, का फ्लो वो वापस पहुँचेगा अब इसके आगे जो है इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा तो क्या आएगा वैल्यू ऑफ़ एम फ्रॉम फंक्शन टू इज़ ये फाइव ये अब फंक्शन टू जहाँ से कॉल हुआ था यहाँ से वापस यहाँ पर जम्प करेगा मतलब रिटर्न हो जाएगा और फिर फाइनली प्रिंट print करेगा प्रिंट एफ ये वाला जो कि मेन फंक्शन का है तो वैल्यू ऑफ़ एम फ्रॉम मेन इज़ 500 तो उसी सीक्वेंस में आया अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि सारे ही एम नाम के वेरिएबल्स हैं लेकिन क्योंकि ये लोकल वेरिएबल्स हैं दैट इज़ वाई इनका स्कोप भी लोकल है लेकिन ये ऑटोमेटिक वेरिएबल्स हैं दैट इज़ वाई इनका स्कोप लोकल है तो हमें ये फ़र्क नहीं पड़ा कि तीनों के नाम एम है क्यों क्योंकि ये जिस फंक्शन में डिक्लेयर किए गए हैं ये वहीं यूज़ होकर वहीं डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ओके okay, तो उनका स्कोप लोकल है और लाइफ टाइम फंक्शन के एग्जीक्यूशन तक के सीमित है ओके okay, तो ये थे ऑटोमेटिक वेरिएबल्स चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टोरेज क्लास इज एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑल द फंक्शन डेफिनेशंस देयर स्टोरेज क्लास इज बाई डिफॉल्ट एक्सटर्न यानी कि सारे ही फंक्शंस जिनमें मेन फंक्शन भी आता है इन सारे ही फंक्शंस के बाहर जब किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है तो वो एक्सटर्न स्टोरेज क्लास का वेरिएबल कहलाता है ओके okay? इसका सिंटैक्स देखिए एक्सटर्न कीवर्ड वर्ड देन डेटा टाइप एंड देन वेरिएबल नेम ओके नाउ एक्सटर्न वेरिएबल्स आर आल्सो कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल्स क्यों क्योंकि दे कैन बी एक्सेस्ड बाय ऑल द फंक्शंस ऑफ अ प्रोग्राम दे आर नॉट लोकल मेन ये रहा ठीक है देन यहाँ पर प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स होंगे तो ये, इस जगह पर यानी सारे ही प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स के बाहर जब हम किसी को किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो सब का हो जाता है वो ग्लोबल हो जाता है यानी इट इज़ अवेलेबल टू एवरी वन इट इज़ अवेलेबल फ्रॉम एवरी ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम दैट इज़ वाई इट कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी फंक्शन बाय ऑल द फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम ओके एंड दे प्रिजर्व देयर वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम क्योंकि ग्लोबल है दैट इज़ वाई ये अपनी वैल्यू को थ्रू आउट द प्रोग्राम प्रिजर्व करके रखते हैं ओके नाउ देखिए स्कोप जो है स्कोप ऑफ ऑटोमेटिक वेरिएबल्स ग्लोबल दैट्स वाई दे कैन बी यूज फ्रॉम एनी वे इन द प्रोग्राम क्योंकि ये ग्लोबल है इसलिए इनका स्कोप भी ग्लोबल है है ना इन्हें कहीं से भी ये किसी प्रोग्रामिंग ब्लॉक तक के सीमित नहीं है इन्हें प्रोग्राम के किसी भी हिस्से से एक्सेस किया जा सकता है और उसे यूज़ किया जा सकता है अब इसका एक प्रोग्राम देखते हैं देखिए पिछले प्रोग्राम से थोड़ा मिलता जुलता प्रोग्राम है बस यहाँ पर ऑटोमेटिक वेरिएबल्स का कोई रोल नहीं है यहाँ पर हम एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो हमने दो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बनाए हुए हैं फंक्शन वन एंड टू और ये जो इंट एम है ये बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा एक्सटर्न ओके okay? क्योंकि इट इज़ अ ग्लोबल वेरिएबल सारे ही फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर किया है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटर्न स्टोरेज क्लास का वेरिएबल है क्या है इंट एम ओके नाउ मेन फंक्शन में हमने इसी एम का यूज़ किया हुआ है देखिए यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया है यहाँ पर हमने डायरेक्टली यूज़ किया क्योंकि वो पहले ही डिक्लेयर किया जा चुका है बिकॉज इट इज़ अ ग्लोबल वेरिएबल तो ये कहीं से भी यूज़ हो सकता है सो so, अब हम पहले कहाँ यूज कर रहे हैं मेन फंक्शन में एम असाइन विथ फाइव हंड्रेड ओके अब हम प्रिंट करा रहे हैं वैल्यू ऑफ एम फ्रॉम मेन यानी मेन में जो एम की वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगा क्या आ जाएगा फाइव हंड्रेड फिर हम प्रिंट करा रहे हैं वैल्यू ऑफ एम फ्रॉम फंक्शन वन और फिर हम प्रिंटेफ स्टेटमेंट में ही एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं फंक्शन वन को यानी कॉल कर रहे हैं फंक्शन वन को तो ये कहाँ जंप करेगा फंक्शन वन की डेफिनीशन में और एम में क्या है एम में तो 500 डाला हुआ है है ना एम में करंट वैल्यू क्या है मेन फंक्शन से जो डली है वो 500 है तो एम प्लस टेन क्या हो जाएगा 500 हंड्रेड प्लस टेन तो ये हो जाएगा 510 तो एम में फंक्शन वन में क्या हो जाएगा एम में आ जाएगा फाइव तो यहाँ पर जब ये रिटर्न करेगा रिटर्न एम करा रहे हैं ना हम तो यहाँ पर ये जो फंक्शन वन की जगह पे कंपाइलर क्या रिप्लेस कर देगा 510 और यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा वैल्यू ऑफ़ एम फ्रॉम फंक्शन वन इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड एंड टेन पहली वाली क्यों आई थी फाइव हंड्रेड दूसरी आई फाइव हंड्रेड एंड टेन और फिर क्या होगा ये वाला स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट में नेक्स्ट प्रिंट एफ स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं वैल्यू ऑफ एम फ्रॉम फंक्शन टू और फिर फंक्शन टू को कॉल कर रहे हैं यहाँ पर तो ये जंप करेगा फंक्शन टू में और करंटली एम में क्या है फाइव हंड्रेड एंड टेन ओके फाइव हंड्रेड एंड टेन और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं एम प्लस ट्वेंटी मतलब फाइव हंड्रेड एंड टेन प्लस ट्वेंटी तो ये क्या हो जाएगा फाइव थर्टी तो ये m में आ जाएगा 530 और ये फंक्शन रिटर्न करेगा 530 को इधर और यहाँ पर प्रिंट क्या होगा वैल्यू ऑफ़ m फ्रॉम फंक्शन टू इज़ 530 तो कैसे प्रिंट होएगा 500 फिर 510 हंड्रेड एंड टेन एंड फाइव एंड थर्टी तो इससे क्या पता चला क्योंकि इसका स्कोप जो है वो ग्लोबल है इसलिए इसे कहीं से भी यूज़ किया जा सकता है देखिए हमने किसी भी फंक्शन में m को डिक्लेयर नहीं किया हुआ है हमने एक ही बार डिक्लेयर किया सारे ही फंक्शंस के बाहर मतलब इसकी स्टोरेज क्लास क्या हो गई एक्सटर्न और इसकी जो वैल्यू है इसका लाइफ टाइम थ्रू आउट द प्रोग्राम चलता रहा और इसने अपनी वैल्यू को परसिस्ट किया तभी देखिए सबसे पहले एम में 500 डाला हुआ था तो जब ये फंक्शन वन में गया तो वो अपनी वैल्यू को बनाए हुए रखा 500 इसलिए ये 510 हुआ फिर जब वो फंक्शन टू में गया तो उसने अपनी वैल्यू को बनाए हुए रखा 510, और फिर हमने उसमें 20 को ऐड किया और फिर हुआ वो 530. अब इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ऐसे हुआ so, ही हुआ कि नहीं सो दिस इज द सेम प्रोग्राम ये वही प्रोग्राम है ओके चलिए इसे एग्जीक्यूट करते हैं जी सी सी एक्सटर्न डॉट सी एंड देखिए फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड एंड टेन एंड फाइव हंड्रेड एंड थर्टी बिल्कुल वही प्रोग्राम है जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया तो वो किस तरह से हुआ क्योंकि ये एक्सटर्न क्लास का एक वेरिएबल है दैट इज़ वाई वो किसी भी जगह से यानी प्रोग्राम में किसी भी फंक्शन ब्लॉक हो चाहे मेन फंक्शन ब्लॉक हो कहीं से भी एक्सेसिबल है दैट इज़ वाई हमने इसे कहीं पे भी रीडिक्लेयर नहीं किया हुआ है देखिए है ना क्यों क्योंकि ग्लोबल है तो सबका है और इसने थ्रू आउट द प्रोग्राम अपनी वैल्यू को परसिस्ट करके रखा तो ये बातों को आपको ध्यान रखना है जो मैंने आपको अभी यहाँ पर ये बताई थी ओके okay? आप चाहे तो इसका स्क्रीन भी ले सकते हैं साथ साथ लेते चलिए ताकि आपको वंस एंड वाइल गो थ्रू करने के लिए ईजी रहे चलिए आगे चलते हैं स्टैटिक स्टोरेज क्लास नेक्स्ट स्टोरेज क्लास है स्टैटिक स्टोरेज क्लास सो वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर्ड यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड आर कॉल्ड स्टैटिक वेरिएबल्स यानी कि इन्हें डिक्लेयर करने के लिए हमें स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा सिंटेक्स लाइक दिस स्टैटिक कीवर्ड एंड देन डेटा टाइप और देन वेरिएबल नेम नाउ स्टैटिक वेरिएबल्स आर बाई डिफ़ॉल्ट इनिशलाइज विद ज़ीरो ओके जैसे अदर वेरेबल्स होते हैं अगर आप उन्हें इनिशलाइज ना करें तो उसमें कुछ गार्बेज वैल्यू होती है लेकिन जब आप कोई स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो बाई डिफ़ॉल्ट जीरो से इनिशलाइज हो जाता है इसे एक बार मैं आपको प्रोग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ ठीक है देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया है इंट ए और एक नॉर्मल वेरिएबल है अब हम देख रहे हैं कि इनमें वैल्यू क्या है ठीक है स्टैटिक में जीरो आना चाहिए और बी जो है एक इंटीजर नॉर्मल टाइप का वेरिएबल है तो उसमें क्या आएगा सम गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी ओके एंड दिस सी देखिए पहला जो वैल्यू आया है जीरो वो ए का वैल्यू है विच इज़ अ स्टैटिक वेरिएबल और दूसरा सम रैंडम नंबर आया हुआ है जो कि बी में जो कि गार्बेज वैल्यू है ओके okay? तो पहला जो मैंने आपको पॉइंट बताया वो याद रखेंगे स्टैटिक वेरिएबल्स बाई डिफॉल्ट इनशलाइज विथ ज़ीरो ओके ये प्रोग्राम इसलिए लिखा है क्योंकि मैं भूल ना जाऊँ कि मुझे आपको इसे प्रोग्राम से करके बताना है ना स्टैटिक वेरिएबल्स आर एलोकेटेड इन डेटा सेगमेंट एंड नॉट इन स्टैक्स सेगमेंट देखिए जब आपका मेमोरी एलोकेशन होता है तो यहाँ ऐसे कुछ पार्ट्स होते हैं देर इज अ पार्ट कॉल स्टैक यहीं पर आपके लोकल वेरिएबल्स और फंक्शंस जो हैं वो स्टोर होते हैं आपकी जो मेन मेमोरी का पार्ट होता है ओके okay? एक परमानेंट स्टोरेज पार्ट होता है डेटा सेगमेंट ओके यहाँ पर ग्लोबल वेरेबल्स है न सारी चीज़ें जो हैं वो स्टोर होती हैं तो जो आपका डेटा सेगमेंट है वहाँ पर स्टेटिक वेरेबल्स जो है वो स्टोर होते हैं स्टैक सेगमेंट बनी यहाँ पर नहीं होते स्टैक सेगमेंट में नेक्स्ट इज स्टैटिक वेरिएबल्स आर इनिशलाइज ओनली वंस उन्हें री इनिशलाइज़ नहीं किया जा सकता ये ज़ीरो से इनिशलाइजेशन वाली बात अलग है वो बाई डिफ़ॉल्ट होता है लेकिन एक बार आपने स्टैटिक वेरिएबल को इनिशलाइज कर दिया तो आप उसे री इनिशलाइज़ नहीं कर सकते दे परसिस्ट देयर वैल्यू इन एंटायर प्रोग्राम ये अपने प्रोग्राम में एंटायरली यानी इंटायरली एंटायर प्रोग्राम में अपनी वैल्यू को परसिस्ट करते हैं बनाए रखते हैं एफ़ा स्टैटिक वेरिएबल इज़ डिक्लेर्यर विद इन अ फंक्शन ब्लॉक अगर किसी फंक्शन ब्लॉक में उसे डिक्लेयर किया गया है तो उसे उसी फंक्शन में यूज़ किया जा सकता है ठीक है स्टैटिक वेरिएबल इज़ डिक्लेयर बिफोर ऑल द फंक्शंस देन इट कैन बी यूज़ फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम ये लोकल एंड ग्लोबल वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी एक प्रोग्रामिंग ब्लॉक में अगर उसे किया है तो वो लोकल हो जाएगा और अगर सारे ही प्रोग्रामिंग ब्लॉक के बाहर किया है तो वो ग्लोबल हो जाएगा ठीक है सो so, ये एक प्रोग्राम है यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसका नाम है स्टैट और आर्ग्यूमेंट टाइप वाइड है मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा और फिर हम लूप चला रहे हैं तीन बार वन टू एंड थ्री यानी तीन इटरेशंस के लिए लूप चलेगा और हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं स्टैट अब स्टैट करेगा क्या स्टैट में एक integer x equal टू जीरो यानी एक स्टैटिक टाइप का x नाम का इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल है जो कि हमें जीरो से इनिशलाइज़ कर दिया है बाय डिफॉल्ट जो कि हमें करने की ज़रूरत नहीं लेकिन क्या हुआ है अब नेक्स्ट लाइन में x इक्ल टू एक्स प्लस फाइव यानी जब पहली बार ये कॉल होगा तो क्या होगा जीरो इक्ल टू ज़ीरो प्लस फाइव विच विल बी फाइव तो x में फाइव आ जाएगा ओके नेक्स्ट टाइम जब ये कॉल होगा तो क्योंकि ये तो वैल्यू को बनाए रखता है नेक्स्ट टाइम जब ये कॉल होगा तो क्या होगा फ़ाइव इक्वल्स टू फाइव सॉरी x इक्वल्स टू फाइव प्लस फाइव सो दिस विल बी टेन और फिर क्या होगा x इक्वल्स टू टेन प्लस फाइव तो ये हो जाएगा फिफ्टीन इस तरह से प्रिंटिंग परफॉर्म करेगा एंड रिटर्न हो जाएगा एंड देन रिटर्न ज़ीरो और प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा ठीक है so सो यहाँ पर आप देखिए कि जो पहली वैल्यू स्टैटिक वेरिएबल में जा रही है विच इज़ फाइव सो जब फाइव गया और इसने प्रिंट कर दिया उसके बाद ये वापस से अपनी फंक्शन कॉल में गया फिर इट्रेशन परफॉर्म हुआ फिर से यह कॉल हुआ तो जब भी फिर से ये कॉल हुआ अगर ये एक नॉर्मल वेरिएबल होता तो ये ज़ीरो से वापस इनिशलाइज हो जाता लेकिन ये स्टैटिक वेरिएबल है इसलिए इसने अपनी प्रीवियस वैल्यू को जो है परसिस्ट करके रखा हर एक कॉल के लिए तो पहले फाइव हुई देन टेन हुई एंड देन फिफ्टीन हुई ये मैं आपको करके बताता हूँ कि एक स्टैटिक वेरिएबल और एक नॉर्मल वेरिएबल में क्या डिफरेंस है ओके चलिए देखिए फिलहाल ये वही प्रोग्राम है जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया 5, 10 एंड 15 कुछ इस तरह से आउटपुट आना चाहिए क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल है और ये अपनी देखिए यहाँ पर ये जो स्टैटिक वेरिएबल है इट इज़ अ लोकल वेरिएबल सो इसका जो स्कोप है ये यहाँ पर लोकल हो जाएगा ठीक है ये इसी फंक्शन ब्लॉक में यूज़ हो सकता है हम देख रहे हैं इस ये अपनी वैल्यू को कैसे परसिस्ट करता है चलिए इसे एग्जीक्यूट करते हैं ये हो गया देखिए क्या वैल्यूज आई पहली आई फाइव देन आई टेन एंड देन फिफ्टीन क्यों हुआ ये क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल है हर एक कॉल के लिए इसने अपनी वैल्यू को परसिस्ट करके रखा इसने अपनी वैल्यू को बनाए रखा दैट इज वाई फाइव टेन फिफ्टीन हुआ अगर मैं यहाँ से स्टैटिक हटा दूँ और इसे एक नॉर्मल वेरिएबल बना दूँ तो क्या आउटपुट होगा चलिए ये भी देखते हैं वही प्रोग्राम रन कर रहा हूँ मैं बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया कि हमने स्टैटिक वेरिएबल को नॉर्मल वेरिएबल बना दिया है सी एवरी टाइम फाइव फाइव एंड फाइव बार बार इनिशलाइज हुआ है फाइव से ही क्यों हुआ ये क्योंकि एक नॉर्मल वेरिएबल है एक ऑटोमेटिक वेरिएबल है ये ऑटोमेटिक क्लास का वेरिएबल है और ऑटोमेटिक क्लास के वेरिएबल्स फंक्शन के कंप्लीट होने पर ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं लेकिन स्टैटिक वेरिएबल अपनी वैल्यू बनाए रखता है ये हमने अभी देखा सो so, ये एक तरीके से हमने प्रूव किया ओके okay? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टोरेज क्लास इज रजिस्टर स्टोरेज क्लास सो ये एक स्पेशल क्लास है द रजिस्टर स्टोरेज क्लास इज यूज टू सजेस्ट टू द कंपाइलर दैट अ पर्टिकुलर वेरिएबल शुड बी स्टोर्ड इन सी रजिस्टर्स देखिए जब भी आप जो वेरिएबल्स बनाते हो चाहे स्टैटिक वेरिएबल हो चाहे एक्सटर्न हो चाहे ऑटोमेटिक वेरिएबल यानी कोई भी वेरिएबल हो तो वो कहाँ स्टोर होते हैं मेन मेमोरी में राइट हमारी मेन मेमोरी में लेकिन ये जो रजिस्टर स्टोरेज क्लास के वेरिएबल्स हैं ये ये होते हैं डिक्लेयर सी में डायरेक्टली सी पी रजिस्टर्स में क्यों होते हैं ये इट इज़ डन फॉर फास्टर एक्सेस जब डेटा को सी में मेन मेमोरी से लाया जाता है तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम देखिए ये टाइम हमें देखने में समझ नहीं आता लेकिन इंटरनली ये बहुत इफेक्ट करता है तो जब कोई चीज़ सी में ही डायरेक्टली स्टोर की जा रही थी उसे कहीं से लेके आने की ज़रूरत नहीं है राइट क्योंकि ये सी रजिस्टर में स्टोर हो रहा है तो उसे कहीं से लेके आने की जरूरत है नहीं तो वो टाइम बच रहा है सो so, डेटा के फास्टर एक्सेस के लिए ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर किया जाते हैं जो कि रजिस्टर स्टोरेज क्लास के होते हैं और ये जो सी पी रजिस्टर होते हैं वहाँ पर स्टोर होते हैं नाव फॉर डिक्लेयरिंग दिस टाइप ऑफ वेरिएबल रजिस्टर की वर्ड इज यूज देखिए सेंटेक्स क्या है रजिस्टर देन डेटा टाइप एंड देन वेरिएबल नेम ओके नाव रजिस्टर वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इन सी पी ओ रजिस्टर्स एंड नॉट मेन मेमोरी जो कि मैंने आपको बताया मैं ये पॉइंट वाइज पॉइंट बताते जा रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूजफुल रहे और समझ में भी आए ओके एंड दे आर एक्सेस फास्टर देन नॉर्मल वेरिएबल्स ओके okay, जब आप किसी रजिस्टर वेरिएबल की बात करें या फिर आप एक नॉर्मल वेरिएबल की बात करें तो अगर किसी प्रोग्राम में रजिस्टर वेरिएबल्स यूज हुए हैं तो वो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम रिलेटिवली फास्ट होता है नॉर्मल वेरिएबल वाले प्रोग्राम से ओके नाउ देखिए एन एक नोट है ये एन सी सी अलाउज ऑफ ऑल टाइप ऑफ वेरिएबल्स एज़ रजिस्टर्स यानी सभी टाइप के वेरिएबल्स को अलाउ करता है एन स्टैंडर्ड है कि रजिस्टर के फॉर्म में एज अ रजिस्टर वेरिएबल उन्हें डिक्लेयर किया जा सके कि, लेकिन मैक्सिमम कंपाइलर जो है वो ओनली इंट एंड कैर टाइप के वेरिएबल्स को ही एज अ रजिस्टर वेरिएबल्स डिक्लेयर करने की के लिए अलाउ करते हैं ठीक है नाउ इसको दे आर लोकल टू द फंक्शन इन विच दे आर डिक्लेयर इसका भी स्कोप लोकल है यानी कि जिस ब्लॉक में इसे डिक्लेयर किया जाएगा ये उसी ब्लॉक में यूज होंगे और इनका स्कोप जो है वो उस ब्लॉक के एग्जीक्यूशन तक ही डिफाइंड है मतलब जिस फंक्शन में या जिस ब्लॉक में ये रजिस्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है उस ब्लॉक के एग्जीक्यूशन तक ही इनका जो लाइफ टाइम है इनका जो स्कोप है वो उस ब्लॉक के एग्जीक्यूशन तक के ही इनका लाइफ टाइम होता है ओके okay? उसके एंड तक ना एक प्रोग्राम देखते हैं देखिए सिंपल सा प्रोग्राम है मेन फंक्शन में हमने एक रजिस्टर टाइप का वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है आई और एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है सम उसमें हमने जीरो को इनिशलाइज किया है जीरो से देन हम फॉर आई असाइंड विथ वन तो आई कब तक चलेगा हंड्रेड तक के वन टू हंड्रेड तक के और क्या करेगा वन से लेके हंड्रेड तक के नंबर्स को ऐड करके प्रिंट करेगा हम यहाँ पर रजिस्टर कीवर्ड का यूज़ क्यों कर रहे हैं क्योंकि एक लम बहुत देर तक के हम इटरेशन करा रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि सौ बार देखिए सौ बार डेटा को मेमोरी से लाने ले जाने से अच्छा है कि हम इसे रजिस्टर वेरिएबल में ही रखें कि हम इसे एक ऐसी जगह पे रखें जहाँ से सी पी के लिए फ़ास्ट एक्सेस हो तो हमने इसे क्या किया रजिस्टर वेरिएबल बना दिया सो so, अब ये जो प्रोग्राम है क्योंकि ये रजिस्टर वेरिएबल की मदद से लूप परफॉर्म हो रहा है सो so, ये प्रोग्राम जो है एक नॉर्मल वेरिएबल के कंपैरिजन में फ़ास्ट एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा ठीक है तो ये क्या करने वाला है प्रिंट वन टू हंड्रेड नंबर्स का एडिशन प्रिंट करने वाला है ओके okay? सो so, ये वही प्रोग्राम है इस बार मैं दूसरी आईडी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम भी देखना है कि कितनी देर में एग्जीक्यूशन परफॉर्म हुआ सो so ये प्रोग्राम है जिसमें हमने रजिस्टर वेरिएबल की मदद से सम प्रिंट कराया है वन टू हंड्रेड नंबर्स का ओके okay, चलिए इसे एग्जीक्यूट करते हैं कंपाइल एंड रन सो ये देखिए ज़ीरो पॉइंट में ये एग्जीक्यूशन परफॉर्म हुआ और यहाँ पर सम इक्वल्स टू फाइव आ गया है अब अगर हम इसे एक नॉर्मल वेरिएबल कर दें ये जो इंट आई है जो रजिस्टर वेरिएबल था इसे हमने एक नॉर्मल वेरिएबल कर दिया अब इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं देखिए इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा वो जीरो पॉइंट जीरो टू कुछ था और ये जीरो पॉइंट जीरो फोर है सो so, ये डिफरेंस क्यों आया क्योंकि एक प्रोग्राम में रजिस्टर वेरिएबल का यूज हुआ और एक प्रोग्राम में एक ऑटोमेटिक वेरिएबल का यूज करके सम प्रिंट कराया गया जो कि मेन मेमोरी में था तो सीपी यू से मेन मेमोरी में आने जाने वाला जो टाइम है उसने थोड़ा सा टाइम को बढ़ा दिया नाउ एक क्विक गो थ्रू करते हैं सारी स्टोरेज क्लासेस और उनके स्कोप एंड लाइफ टाइम की तो ऑटो स्टोरेज क्लास की अगर बात करें तो ऑटो स्टोरेज क्लास मतलब वो वेरिएबल्स जो कि किसी प्रोग्रामिंग ब्लॉक में डिक्लेयर किए गए हैं तो उनका स्कोप भी उसी प्रोग्रामिंग ब्लॉक तक यानी कि लोकल रहता है और उनका लाइफ टाइम यानी कि वो उनकी वैल्यू कब तक ये प्रजिस्ट करेगी वो भी तब तक ही, जब तक कि वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो मतलब लोकल अगर हम बात करें एक्सटर्न स्टोरेज क्लास की एक्सटर्न स्टोरेज क्लास मतलब एक्सटर्न कीवर्ड की मदद से या फिर जो भी वेरिएबल्स सारे ही फंक्शन ब्लॉक के बाहर टॉप में डिक्लेयर किए गए हैं उनका जो स्कोप होता है वो होता है ग्लोबल क्योंकि वो सभी के लिए डिक्लेयर किए गए हैं यानी कि वो सही सभी जगह से यानी प्रोग्राम के किसी भी ब्लॉक से एक्सेसिबल होते हैं हमने जो एम वाला प्रोग्राम देखा था जिसमें एक वैल्यू 500 थी देन वैल्यू 510 हुई देन वैल्यू फाइव 30 हुई तो हमने देखा था कि m जहाँ जहाँ जितनी बार यूज हुआ तो वो अपनी पिछली वैल्यू को बनाए रख रहा था मतलब वो अपनी वैल्यू को थ्रू आउट द प्रोग्राम बनाए रख रहा था इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका लाइफ टाइम ग्लोबल है ओके वैसे स्टैटिक की बात करें तो ये स्टैटिक विद इन अ फंक्शन वाला स्टैटिक है तो स्टैटिक वेरिएबल का स्कोप जो है वो लोकल होता है मतलब कि जिस भी फंक्शन या जिस भी ब्लॉक में उसे डिक्लेयर किया गया है तो ये वहीं तक के सीमित है लेकिन इसका जो वैल्यू है ये अपना वैल्यू को थ्रू आउट द प्रोग्राम बनाए रखता है हमने जो x इक्वल्स टू एक्स प्लस फाइव वाला देखा था जिसको मैंने आपको फिर एक नॉर्मल वेरिएबल से करके बताया तो हमने क्या देखा था कि स्टैटिक वेरिएबल जब हमने डिक्लेयर किया था तो x हर इटरेशन में अपने हर फंक्शन कॉल के लिए पिछली वैल्यू को परसिस्ट कर रहा था इसलिए इसका आउटपुट क्या आया था फाइव टेन एंड फिफ्टीन क्योंकि फाइव से इंक्रीज़ हो रहा था राइट और हर बार वो अपनी पिछली वैल्यू को पर्जेस्ट करके रख रहा था दैट इज़ वाई हम क्या कह रहे हैं कि इसका लाइफ टाइम जो है वो ग्लोबल है और रजिस्टर वैल्यूबल भी एक ऑटोमेटिक टाइप का ही वेरिएबल है है ना उसे आप ऑटोमेटिक जैसे ही कह सकते हैं लेकिन क्योंकि ये रजिस्टर कीवर्ड की मदद से डिक्लेयर किया गया है तो ये सी पी रजिस्टर में स्टोर होती हैं वैल्यूज मेन मेमोरी में, में, में नहीं और ये भी एक फंक्शन ब्लॉक में ही स्टोर होते हैं इसलिए ये लोकल है ये लोकल है दैट इज़ वाई इनका लाइफ टाइम भी लोकल होता है मतलब ये वैल्यू तब तक ही पजेस्ट करते हैं जब तक कि वो फंक्शन ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा हो या उसके एंड तक तो ये हमने देख लिए सारे स्टोरेज क्लासेस सी में जो प्रोवाइड होते हैं और हमने सारे ही प्रोग्राम्स को समझा उन्हें प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देखा कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा मतलब ये पूरा वीडियो प्रोग्राम कैसा लगा और आई uh, होप आपको स्टोरेज क्लासेस एन सी क्लियर हो गया होगा अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए मैं मिलूंगा नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ कीप पॉचिंग स्पर्धा ज्ञान